बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस बिज़नेस के बारे में मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, वो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये बिज़नेस है हार्डवेयर का। तो इस सिलसिले में हम अपने दोस्त के पास आए हैं, सुहेल भाई के पास, जिनकी ये शॉप है। तो वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि ये हार्डवेयर का जो बिज़नेस है, ये स्टार्ट करने में क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सुहेल भाई, बताइएगा कि ये जो बिज़नेस हार्डवेयर का आपने स्टार्ट किया है, कितना अर्सा हो गया आपको? मैंने स्टार्ट ये 5 साल हो गए स्टार्ट किए हुए। अच्छा, 5 साल हो गए। तो पहले जब आपने स्टार्ट किया, आपको इस बारे में कोई एक्सपीरियंस था या आपने? एक्सपीरियंस तो नहीं था। आपके वाले साहब करते थे? जी, मैंने था। तो उनके साथ आपने स्टार्ट किया या आपने? नहीं नहीं, अलहदा से शुरू किया। अच्छा, अलहदा से स्टार्ट किया। तो ये जो हार्डवेयर का बिज़नेस है, जैसा कि ये शॉप तो आपकी अपनी है ना, तो इसमें लोकेशन मैटर करती है कि ये जो शॉप है ये मार्केट में होनी चाहिए या थोड़ा सा साइड पे होनी चाहिए, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? मार्केट में होनी चाहिए, वो बेहतर है, एक तो कस्टमर ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मार्केट में कंपटीशन होता है, तो ये मार्केट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने इस अपनी शॉप में क्या क्या रखा हुआ है? मैं जैसा कि देखता हूँ इसमें प्लाई वगैरह भी पड़ी हुई है, तो ये सामान आप कहाँ सामान आप कहाँ से लेके आते हैं? ये कराची से भी लेते हैं, लाहौर से भी लेते हैं, इस्लामाबाद से भी लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसमें? 20 लाख तो होनी चाहिए। 20 लाख होनी चाहिए, यानी कि अगर एक दोस्त ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 20 लाख रुपये। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपने लड़के भी रखे हुए हैं काम करने वाले? कितने? दो लड़के रखे हुए हैं। तो उनको आप कितनी सैलरी देते हैं? एक को 10,000 देता हूँ, एक को 8,500। अच्छा, ठीक हो गया। तो कैसा बिजनेस है ये, आप हमारे दोस्तों से शेयर करें? आप रिटेल का कर रहे हैं या सेल का कर रहे हैं? दोनों का करते हैं। ठीक है, कस्टमर की नवाई देख के लगाते हैं। अच्छा, किस टाइप का ये बिजनेस है? बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, यानी कि अच्छा है, इसमें प्रॉफिट अच्छा, मार्जिन है, परसेंटेज अच्छी है। नॉर्मली कितनी परसेंटेज है आइटम के पीछे? जैसे ये हम देख सकते हैं कि ये लॉक पड़ा हुआ है, 10%। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के लॉक्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट वो ये जो हैंडल वगैरह हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो कितनी परसेंटेज है इसमें? 10% 10% है, 10% है ना? ठीक है, तो इसमें ये है कि अगर आपने ये बिज़नेस करना है तो एक्सपीरियंस मैटर भी करता है। एक्सपीरियंस खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक हो गया, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम 20 लाख होनी चाहिए। तो 20 लाख कैसे फिर कंपनी वाले खुद आपको माल प्रोवाइड करते हैं या आपको लाना पड़ता है, क्या इसका प्रोसीजर है? प्रोवाइड कर देते हैं, इधर आके भी दे देते हैं, खुद भी जाके लेना पड़ता है। नहीं, पहले जैसे आपने स्टार्ट करना है, सपोज अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीकाकार होगा? मुझे अगर सपोज मैं अपने 10 लाख से या 20 लाख से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे सारी अमाउंट एक ही टाइम पे लगानी पड़ेगी या मुझे हाफ पेमेंट देनी पड़ेगी? हाफ पेमेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, बाकी आप चाहते हैं? ठीक है, कुछ कंपनी वाले अपनी तरफ से दे देंगे आपको। ठीक हो गए, तो आपके पास किस टाइप का कस्टमर आता है? मतलब इकट्ठा माल लेके जाते हैं या एक एक आइटम लेके जाते हैं? क्या फर्नीचर वाले तो इकट्ठे ही माल ले जाते हैं, किसी ने घर बनाना हो तो वो तो इकट्ठे ही ले जाते हैं। अच्छा, जो आते हैं कस्टमर आते हैं घर से, जिन्होंने एक लॉक लेना चाहिए, एक खराब हो गया। अच्छा, किसी का कोई पेज सीधा हो गया तो वो लेने आ जाते हैं। ठीक है, वरना तो ज़्यादातर मोस्टली जो है ना वो इकट्ठे ही लेने आते हैं। ठीक है, और शॉप जो है वो बड़ी होनी चाहिए? शॉप ही बड़ी, ताकि आपका जो जितना मटेरियल है उसकी एडजस्टमेंट हो सके। ठीक हो गया, तो इन शॉर्ट ये कि आप अपने इस में जो है आपका हार्डवेयर का आप सेटिस्फाई हैं? ठीक हो गया, तो कोई भी दोस्त ये स्टार्ट करना चाहता है तो इजीली ये कर सकता है। ठीक है, सही है। तो थोड़ा सा आप दिखा सकते हैं, ये जैसा कि प्लाई वगैरह पड़ी हुई है दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भाई की शॉप है। इसमें ये देखें डिफरेंट टाइप, इसमें ये हैंडल्स लगे हुए हैं, ये सामान है, इसमें ये लॉक टाइप पड़े हुए हैं,
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस बिज़नेस के बारे में समझ लग गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।